अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराज़ व्लॉग। कैसे आप सब? एक छोटा सा फ्रंट यार्ड का जो काम चल रहा है वो मैंने ऐसे ही कैप्चर किया, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। और देखो हमारे गार्डन में कितनी खूबसूरत गुलाब है। तो लेट्स बिगिन विद द डे। बात नहीं कर सकती, मीटिंग में तो आई जस्ट गोना डू द इजी पीजी रेसिपी टुडे एंड दैट्स गोना बी अ चिकन बोनलेस हरा भरा चिकन बिरयानी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा सा ऑनियन था जिसको मैं ना चॉप कर रही हूँ, ताकि मैं कुछ ऑनियन जो है एक साइड वाला उसका मैं बरिस्ता बनाऊँगी और एक जो है मैं यूज़ करूँगी चिकन के लिए। तो यस, मैं एकदम फाइन यू नो अच्छे से उसको काट रही थी लॉन्ग स्लाइस में। तो ऑनियन मैंने चॉप कर दिया है और रख दिया एक तरफ, और साइड में मैंने पूरे मसाले जो मुझे मैरिनेट करना है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ, जिसमें है बोनलेस, ऑलमोस्ट 1.5 pound ऑफ चिकन है बोनलेस, जिसको मैंने सॉल्ट और लेमन लगाया है। और मसालों में मैंने लिया है हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी 1 tablespoon एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon। और जो कर्ड है वो ऑलमोस्ट है 1/2 cup मैंने कर्ड लिया है। बहुत अच्छी बनी थी, माइल्ड, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। जिन लोगों को स्पाइसी कम खाना पसंद है दे शुड ट्राई दिस रेसिपी, ट्रस्ट मी इट इज़ डैम डिलीशियस। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पे ही बना सकते हो। तो मैंने हर मसाला ऐड कर दिया है चिकन को और अच्छे से ना पूरा मैरिनेट कर लिया। एंड द मेन इन्ग्रीडियंट इज़ द ग्रीन मसाला, जो कि हल्दी, सॉरी, जो कि कोरिएंडर, जिंजर और गार्लिक से बनता है। और मैंने ना 2 से 3 ग्रीन चिली डाला था क्योंकि मुझे स्पाइस नहीं करना था, और मेन है कि सिलांट्रो फ्रेश थी। तो हाँ, कलर देखो कितना अच्छा आया। और फाइनली मैंने ना लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, बहुत हार्ड था, हो ही नहीं रहा था, बट कोई गल नहीं, मैंने कर दिया था, अच्छा बना था। और एक दो मैंने अपना ग्रीन चिली स्लिट करके डाल दिया था, और मैंने लास्ट में सॉल्ट ऐड कर दिया जो कि है 2 to 3 tablespoon। मैंने अपने हिसाब से डाला था क्योंकि मेरे स्पून जो थे वो छोटे थे, तो मुझे पता था मैं जितना डालूँ। आप अपने हिसाब से डाल देना। और गाइस प्लीज़ चैनल पे कमेंट करना, लाइक करना यार, ओके? तो साइड में मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 cup पानी डाला है, और मैंने बासमती राइस 2 cups लिया है, और मैंने अपना गर्म मसाले में सब डाला है, बे लीव्स, बाद में अपना बे लीव्स डाला है, कार्डमम, क्लोव्स और घी डाला था मैंने, और 2 से 3 tablespoon ऑयल डाला था। और यहाँ साइड में मैं बना रही हूँ बरिस्ता, जो कि एक पैन में है। और एक टिप दूँ, बरिस्ता अगर अच्छा बनना चाहिए ना, कुरकुरा और मीठा सा, तो मैंने ना थोड़ा सा ना चीनी ऐड कर दिया था, जो कि आप देख रहे हो, बहुत यम्मी। और मैं हूँ फराह, वेलकम टू फराहस व्लॉग। सो इट्स मंडे, अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड अच्छा गया हम लोगों का, आई होप आप लोगों का भी सबका अच्छा गया होगा। तो टुडे इज 11th of October एंड इट्स वेरी स्पेशल डे फॉर मी। पूछो क्यों? क्योंकि इट्स माय ब्रदर्स बर्थडे एंड आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे अल्लाह ऑलवेज कीप्स हिम हैप्पी एंड गिव हिम सक्सेस। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी व्हाइल टॉकिंग, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। वेदर ना इतना गंदा है ना कि मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। आई डोंट लाइक दिस वेदर, यू नो, मुझे बहुत होमसिक फील होता है। हाउ डू यू डील विद दिस वेदर? पिछले 3-4 दिन से या ऑलमोस्ट 1 week से ऐसे ही भूतिया टाइप वेदर है, और अपने बाहर कुछ काम चल रहा है, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं यहाँ पे लोग, आई डोंट नो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो टुडे आई थॉट आई विल मेक सम स्मॉल केक एंड चिकन ग्रीन बिरयानी, वेल चिकन हरा भरा बिरयानी। सो यस, आई ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन, मैं ऐसे ही चल रही हूँ, हस्बैंड मीटिंग में है तो आई कॉन्ट टॉक सो मच, सो आई जस्ट केम इन द बैकग्राउंड सो आई कुड टॉक इट। तो मैं सोच रही हूँ, देखते हैं क्या क्या होगा इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू दिस वीडियो, और इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। चलो अभी किचन में चलते हैं, बहुत हो गई बातें, लेट्स बिगिन माय वर्क, कम। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं ना चावल स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि पानी निकाल रही हूँ चावलों से। राइस बहुत अच्छा था, इन राइस पे भी डिपेंड करता है कभी कभी जब आप बिरयानी बनाते हो। राइस अच्छा हो ना बासमती तो बिरयानी ऑटोमेटिक अच्छी ही बन जाती है। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये वाला स्ट्रेनर था। तो देन जो मेरा ऑयल था बरिस्ता का वो मैंने उस टोप बर्तन में डाल दिया है, और जो मेरी चॉप थी ऑनियन वो भी मैंने ऐड कर दी उस ऑयल में। तो उसको मैंने अच्छे से सॉटे कर दिया था तब तक वो ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए एंड इट चेंजेस इट्स कलर। तो उसके बाद मैंने दो छोटे से टमाटोज कट कर दिया, चॉप कर दिया, और उनको मैंने
अच्छे से इसमें ऑनियन के साथ मिक्स कर दिया है। ये बहुत अच्छी है, इजी है, दो फ्राइडेस रखे हो। ओके, और एंड देन द मेन पार्ट जो चिकन था जो मैंने मैरिनेट किया था, आई हैव एडेड दैट टू द ऑनियन एंड टमाटो। तो अच्छे से उसको मैंने ऑलमोस्ट 5 to 10 minutes में मैंने चिकन को अच्छा सा ना सॉटी कर दिया था और स्टीम में रख दिया था धीमी आँच पे। तो मैंने ऑलमोस्ट अभी चिकन मुझे लगा कि ना अभी पकने वाला है, तो मैंने बंद करके रख दिया था उसको। और फिर आपको मैं बताती हूँ कि मैंने चिकन जो मसाला था उसको दो हिस्सों में कर दिया था, और मैंने जो नीचे था एक लेयर लगा दिया है, और जो अपना बासमती राइस था वो मैंने एक लेयर पे कर दिया था। और उसमें मैंने क्या किया, थोड़ी सी सिलांट्रो गार्निश कर दी, अपना थोड़ा सा जो बरिस्ता था वो डाला था, और मैंने ना बच्चों के खाते ना टमाटो अपना सॉरी पटेटो भी थोड़ा सा ना फ्राई कर दिया था। तो दैट ऑल्सो, और मेन इज़ द सेफ्रॉन और मिल्क का मैंने ये कर दिया था यू नो कलर। तो वो फिर मैंने थोड़ा सा 1 to 2 tablespoons डाल दिया, और जो चिकन था फिर नेक्स्ट लेयर मैं बना रही थी, थोड़ा सा चिकन डाला एंड तो जो बचा हुआ राइस था वो मैंने वापस सेकंड लेयर पे कर दिया था। आपको अगर चाहिए तो आप ड्राई नट्स भी डाल सकते, जैसे कि हो किशमिश हो यू नो वट एवर यू लाइक इट, बट आई डिडंट डू दैट, बट दैट्स ओके, इट्स ऑप्शनल एंड इट्स योर चॉइस। और जो लास्ट लेयर था मेरा वो भी मैंने ऐड कर दिया था, जो बचा हुआ चिकन था और जो बचा हुआ राइस था, और उसके ऊपर जो है मैंने जो बरिस्ता था वो पूरा डाल दिया था, और मैंने जो सिलांट्रो थी वो डाल, मेरे पास मिल्क नहीं थी तो आई डिडंट ऐड दैट। तो इफ़ यू हैव यू कैन ऐड इट, बट द टेस्ट इज़ नॉट गोना चेंज, इट इज़ स्टिल द डिलीशियस चिकन हरी बिरयानी। सो यस, आई उसके बाद में मैंने ना एक फॉइल पेपर निकाल के उसको मैंने दम पे रख दिया था फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 minutes। ओके, और उसके बाद में बहुत ही मज़े की थी, ट्राई करना माई किचन क्वींस, माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स, एंड लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो ये रही मेरी बिरयानी चिकन वाली। सो यस, इट वॉज यम्मी, आई सर्व्ड इट विद सिंपल रायता एंड दैट्स इट। आप जैसे आपको पसंद है खाया करो पेट भर के। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।